हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम है, राधे राधे, आपका स्वागत है अपने चैनल में। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, मेरा नहाना धोना हो गया था और मैं कर रही थी पूजा। तो आज था संडे, तो देव और जानवी घर पर ही थे। तो देव को मैं बोली कि बेटा जब भी पूजा करे तो सबके पास खड़ा होकर देखा कर कि क्या कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि हम बच्चों को सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे, नहीं तो बच्चे, आजकल के बच्चे आपको पता ही है, दिन भर टीवी मोबाइल में घुसे रहते हैं लेकिन प्रभु का नाम नहीं लेते। और हम लोग भी, बड़े लोग भी क्या होते हैं ना, मोबाइल में घुस जाते हैं। भगवान की आराधना कम ही हो गई है अब तो, करनी चाहिए भगवान की आराधना। भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। वो एक कहावत है ना, सुख के दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरिन करे उसको दुख काई को होए। लेकिन जो सुख में ही सुमरिन करने लग जाए तो उसको दुख बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो दुख में सुमरिन करे, जब उसका दुख ही मतलब आ जाए तब वो सुमरिन करता है, तो वो क्या याद करना। तो भगवान को जितना हो सके उतना समय देना चाहिए। मैं अरमा देती हूँ, भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, ऐसे नहीं है। और मैं कर रही थी यहाँ पे थोड़ा सी बेड की सफाई, तो बेड की सफाई इतना मुश्किल है, सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो बेड के ये बनाया गया है ना, तो इधर मैं सोची थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, मिट्टी विट्टी लगी रहती है, रोज़ सफाई होती नहीं है। तो ये ड्रेसेस जो मैं निकाली सामान, और जो ऊपर पड़ी है हमारी फ़ोटो है पूरी की, और फिर फैन भी देख सकते हो आप, गंदा हो रखा है, कितनी मिट्टी चिप्पी हुई है इस पर लगी हुई है। तो मैं सोची चलो ये भी पूछ देते हैं, आज लग गए हैं तो साफ़ सफाई में, तो हफ्ते, आप अगर हफ्ते में फैन को नहीं पूछोगे ना तो हफ्ते में ही इनको मतलब गंदा हो जाता है। तो आज बेडशीट वगैरह भी उतारनी थी, तो मैं सोची चलो कोई नहीं, उतार देते हैं कचरा, जो भी बेडशीट भी गिरेगा बेडशीट तो वैसे भी हमें धोनी है, साफ़ सफाई करनी है। तो मैं ये काम कर रही थी आज संडे के दिन, और संडे के दिन तो वैसे भी रेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे घर पर रहते हैं, तो रेस्ट करना तो मुमकिन ही नहीं है। बस इस काम नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेकिन हम सो नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो हल्ला गुल्ला, बदमाशी, एक दूसरे लड़ना झगड़ना ये होता है। तो मेरे बच्चे ना एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार से रहते हैं, शायद किसी के रहते होंगे प्यार, लेकिन मेरे वाले तो प्यार से नहीं रहते हैं, आपस में झगड़ते हैं। एक घंटा झगड़ेंगे, फिर आधा घंटा प्यार से रहेंगे, फिर एक घंटा झगड़ेंगे, और रात को उनको पता नहीं, रात को वो आराम से बातें करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ सो जाओ, अब रात हो गई, तो रात को बातें करते रहते हैं। और उनके पापा बोलते हैं कि दिन में तो तुम झगड़ते हो, रात को तुम्हारी कौन सी बातें रह जाती है जो बोलते रहते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने ये बेडशीट भी निकाल दी है, ये बेडशीट भिगो दूँगी। और आज मेन खाना मतलब नाश्ता करके नहीं गए थे, तो मैं बोली कि ठीक है बाद में आ जाना। और तो ये बता रहे थे कि दुकान में कोई केक था, वो केक नीचे गिर गया, वो पहले घर पे ही पड़ा हुआ था फ्रीजर में, तो वो दुकान में लेके गए तो जल्दीबाजी में पता नहीं कैसे वो नीचे गिर गया। तो केक की बातें बता रहे थे और ये खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद में दुकान चले गए थे। और फिर मैं कर रही थी सफाई बाहर की, क्योंकि दुकान तो वो पहले ही चले गए थे लेकिन खाना खाकर नहीं गए थे, दुकान नीचे ही है, दूर जाना नहीं होता है, तो दुकान खोल लिए थे। और फिर मेरे जेठ जी के जाने के बाद में वो खाना खाने के लिए वापस आए, क्योंकि नाश्ता तो करना ज़रूरी है, फिर 2 बजे जाके करते हैं तो इतना भूखा रहना ठीक नहीं है। तो वो नाश्ता करके फिर चले गए थे। मैं इधर बाहर वाला बेड भी साफ़ कर दूंगी। और जानवी आज जा रही थी डांस क्लास, संडे की डांस क्लास रहती है, तो और यहाँ पे चल रहे थे सॉन्ग, तो हम दोनों तीनों माँ बेटे मतलब मस्ती कर रहे थे। मैंने बोला चलो सॉन्ग लगा तो डांस करते हैं, तो जानवी तो नहीं कर रही थी और बाबू और मैं मिलकर कर रहे थे। तो अच्छा लगता ना, कभी कभी बच्चों के साथ इंजॉय करना चाहिए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है बच्चों को भी और हमें भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो क्यों ना बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। तो हम दोनों माँ बेटे से डांस कर रहे थे, जानवी को तो शर्म आ रही थी तो वो नहीं कर रही थी। और ये बाल धोकर आई थी आज, हेयर वॉश की थी जानवी, क्योंकि संडे को अच्छे से कर पाती है, वैसे तो सुबह 6:30 बजे स्कूल जाती है तो इतने अच्छे से कभी कर नहीं पाती है, संडे को अच्छे से हो जाते हैं हेयर वॉश वगैरह सब कुछ। फिर ये सब हो जाने के बाद में फिर आ गया हमारा
इवनिंग का टाइम 9 बजे से बज रहे होंगे शायद अभी 3:30, क्योंकि कपड़े वपड़े सब आज धूप निकली थी, कपड़े भी सारे सूख गए अच्छे से, तो मैं सारे समेट कर फोल्ड करके रख दूँगी। और आप लोगों को ना व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं लेकिन व्लॉग में कोई मज़ा नहीं आ रहा, मतलब व्यूज नहीं आते हैं तो मज़ा भी नहीं आता। इतनी मेहनत से बनाते हैं और फिर व्यू नहीं आए तो अच्छा नहीं लगता है। देखो पीछे देख सकते हो आप, मेरा पिलो कवर पूरा फट गया है, इसको मैं निकाल के फिर सिलाई करूँगी। तो ये आपके सामने मैं छिपा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं इसको छिपा भी सकती थी, लेकिन जो होता है वही हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा दिखाते हैं आपको जो नहीं होता है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इतनी गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना पसीना पसीना आ रहा है, देखो बहुत ज़्यादा फेस पे कितना पसीना है। तो अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, कपड़े लास्ट थे, मतलब लास्ट कपड़े थे इस काम में, समेटती है वो भी मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि इतने दिन बारिश हो रही थी, मैंने स्टार्ट किया था घूमना तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो कहीं जाना नहीं हुआ। और अब आज सोचूँ कि चलो घूम के आते हैं थोड़ा। तो मेरी जेठानी और मैं अब जाएंगे, जानवी भी आज संडे है तो जानवी भी जाएगी साथ में, तो हम जा रहे हैं। होगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, इस वीडियो में तो शायद नहीं होगा, अगली वीडियो में शेयर करूँगी अगर व्लॉग बना पाऊँगी तो उधर का। तो फिर मैं सोची कि व्लॉग का एंड कर देते हैं, आप लोगों से बाय बोल देते हैं। तो आ गई आपसे बातें करने के लिए, और अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा पसीना पसीना हो रहा है चेहरा। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।